आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फैन के साथ में फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करना सीखेंगे। कई जगह पे क्या होता है कि सीलिंग फैन को ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन लगाया होता है और हम चाहते हैं कि वहां पर सीलिंग फैन की स्पीड को हम कम या ज्यादा कर पाएं, तो उसके लिए हम एक फैन रेगुलेटर लेके आते हैं और उसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वाली वायरिंग हम इस सर्किट डायग्राम को देखकर करने वाले हैं। अगर आप भी इस तरह से वायरिंग करना चाहते हैं, वायरिंग करना सीखना चाहते हैं, तो ये एक बुक खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग का सारा डाटा देखने को मिल जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल का। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, हाई क्वालिटी में आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस बुक के अंदर देख पा रहे हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो ये फैन रेगुलेटर है और जो ये स्विच है, इनको हमें इस तरह से एक स्विच बोर्ड लेना है और उसके अंदर इस तरह से फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फैन रेगुलेटर और स्विच को हमने बोर्ड के अंदर फिट कर लिया है। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसके पीछे, स्विच के पीछे आपको इस तरह से दो टर्मिनल देखने को मिलेंगे और फैन रेगुलेटर के पीछे आपको इस तरह से दो वायर निकली हुई देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो आपको काम करना है इनमें से, वो एक फैन रेगुलेटर की वायर लेनी है आपको। फैन रेगुलेटर की वायर आप कोई भी ले सकते हैं, दो वायर में से एक वायर लेनी है, ठीक है। और एक वायर में, मतलब ये ले लिया आपने वायर, और आपको ये देखना है स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ये स्विच अभी सीधा है इस तरह से, इसमें से जो ऊपर का ये वाला टर्मिनल होगा, इसके साथ में आपको ये वाली वायर ज्वाइंट कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हम इस वायर को ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली वायर यहाँ पे ज्वाइंट हो गई है, आपको ये अच्छे से टाइट करनी है, ये कई बार लूज रह जाती है, निकल जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो ये फैन रेगुलेटर का दूसरा वायर बच जाता है ना, इसके साथ में आपको क्या करना है, इस तरह से वायर लेना है। इस वायर को आपको क्या करना है, जो फैन है हमारा, फैन तक मेजरमेंट कर लेना है, यानी कि ये वायर फैन तक पहुंच जाना चाहिए। तो पहुंचने के बाद फ्रेंड्स, इसका एक टर्मिनल इस तरह से इसके साथ में कनेक्ट कर देना है, यानी कि ज्वाइंट लगा देना है। तो ये ज्वाइंट लग जाता है इस तरह से, और इसके यहाँ पे आपको अच्छे से ज्वाइंट लगाने के लिए क्या करना है, इस तरह से पीवीसी टेप लेनी है और पीवीसी टेप इसके ऊपर लगा देनी है, जिससे क्या होगा, ये ज्वाइंट मजबूत हो जाएगा, टूटने का खतरा या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। और जो ये वाली वायर बचती है फ्रेंड्स, ये वाली वायर आपको क्या करना है, इस वायर को आपको ये सीलिंग फैन के इस तरह से कनेक्टर देखने को मिलेंगे, इस कनेक्टर में से ऊपर वाला जो कनेक्टर होगा ना, उसके साथ में जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जुड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या है, आपके सीलिंग फैन के साथ में जो फैन रेगुलेटर है उसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है सीलिंग फैन को और बल्ब वगैरह को ऑन ऑफ होने के लिए हमें एक फेज की जरूरत पड़ती है और एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो फेज वायर को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, न्यूट्रल वायर को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, अभी हम ये देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो फेज वायर होगा उसको हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ेंगे। तो ये स्विच है, इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल ये वाला बनता है, तो इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे जोड़ देंगे। फेज वायर आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, रेड कलर की होगी, लाल कलर की आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको वीडियो में वो बुक दिखाई थी वो खरीद सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी तरीके की वायरिंग की हुई है, वो वायरिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है ब्लैक कलर की वायर, जो कि न्यूट्रल वायर है। इस न्यूट्रल वायर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सीलिंग फैन के ऊपर आपको इस तरह से कनेक्टर देखने को मिलेंगे। एक कनेक्टर में हमने फेज वायर कनेक्ट कर दी है, दूसरे में हमने क्या करना है, इस तरह से न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है। तो हम नीचे वाले टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे और अच्छे से इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी वायरिंग तो हो जाती है कंप्लीट। अभी हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे सीलिंग फैन के साथ में फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बारी आती है टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पे जो फेज और न्यूट्रल वायर है, इसको हम सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देंगे और इस फैन को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम इस बटन को दबाएंगे तो फैन हमारा ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फैन हमारा ऑन हो गया है। अगर हमें स्पीड को कम करना है तो हम 3 नंबर पे कर सकते हैं, 2 नंबर पे कर सकते हैं, 1 नंबर पे कर सकते हैं। अगर हम इसको 0 पे कर देंगे तो ये फैन बंद भी हो जाएगा। अगर हमें फिर से इसको चलाना है तो इससे फैन रेगुलेटर से चल जाएगा ये। अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो इसको स्विच की मदद से बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सीलिंग फैन के साथ में फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।